चलिए अब चलेंगे देवघर। देवघर में नवरात्र के चौथे दिन कैसा उत्साह है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे और भक्तों में पंडालों के दर्शन को लेकर कितनी भक्ति और श्रद्धा देखने को मिल रही है इसकी भी जानकारी लेंगे। बबलू हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। बबलू, आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना हो रही है, आपकी कहाँ पर मौजूदगी है और भक्तों में कितना उत्साह है? जी मैं बता दूं, मैं देवघर देवों की नगरी कहा जाता है, और कहा जाए तो यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा का एक अलग महत्व और उत्सव मनाया जाता है। देवघर में अगर देखा जाए तो करीबन 100 से ज्यादा पंडाल और वेदी हैं, जहाँ पर माता दुर्गा की आराधना की जाती है। और आपको बता दें कि ये जो देवघर में देवों की नगरी कहा जाता है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल यहाँ नए ढंग से पंडाल बनाए जाते हैं। इस बार की अगर बात करें तो बिलासी में जो है वो पंडाल वेस्टर्न सिटी के तर्ज पर बनाया गया है। वहीं अगर कृष्णापुरी की बात करें तो वो जो है फिल्म सिटी के तर्ज पर वहाँ एक विशाल किला का दृश्य बनाया गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो देवघर के हर पंडाल जो है काफी भव्य बनाए जाते हैं, और यहाँ काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा की जाती है। और अगर दुर्गा पूजा में जो है यहाँ पर जो है सप्तमी से मूर्ति विराजमान हो जाती है, अपने 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 पूजा स्थल पर विराजमान होती है। और ये पूजा दसवीं कहा जाए तो ये दशहरा है, दसवीं तक जो है रहता है, लेकिन यहाँ कुछ पंडाल में जो है मूर्ति 11वीं और 12वीं को भी भसाया जाता है। इस सब को लेकर यहाँ जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहा जाए तो यहाँ जो है यहाँ पर एक जो है बेदी है, जो कि देवघर का सबसे पुराना बेदी माना जा रहा है, और वो है घड़ीदार का। कहा जाए तो ये करीबन 250 साल पुराना वो बेदी है, और वहाँ की जो दुर्गा माँ की जो प्रतिमा होती है वो सभी से हट के एक अलग रूप देती है। वहाँ का जो कलाकार है, दुर्गा की जो दुर्गा माता की जो मूर्ति प्रतिमा बनाते हैं, उसका जो है एक अलग लुक देते हैं। चलिए, तो देवघर जिले में एक से बढ़कर एक पंडालों का निर्माण किया गया है और भक्तों में खासा उत्साह है। सभी पंडालों में माता की पूजा आराधना की जा रही है, और जैसा कि बबलू आपने बताया कि पूरे शहर के पंडालों में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, और सभी जगहों पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूजा से जुड़ी तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो देवघर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है। पूजा पंडालों को आकर्षक स्वरूप दिए गए हैं, ताकि जो भी भक्त माता के पूजन दर्शन को पहुँचे वो पंडालों की भव्यता, पंडालों की सुंदरता, पंडालों की खूबसूरती, पंडालों की दिव्यता का भी दीदार कर सकें।